नमस्कार, ओम नमो नारायण। आज हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में या बेहतर बनाने में तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें सबसे पहली चीज जो है थैमस ग्लैंड, थैमस ग्लैंड, लिम्फेटिक सिस्टम और स्प्लीन। थैमस ग्लैंड का क्या काम होता है, इससे आप कैसे आप अपनी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। थैमस ग्लैंड का काम होता है टी सेल्स को बनाना, और टी सेल्स जो होती हैं हमें प्रोटेक्ट करती हैं हमें किसी प्रकार के वायरस से, बैक्टीरिया से, जैसे कि आजकल आप चल रहा है ये कोरोना वायरस, इस तरह के किसी प्रकार के वायरस से आपको टी सेल्स प्रोटेक्ट। और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम लाइक लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स हमारे शरीर में कहाँ पे होते हैं, जैसे हमारे हाथों में, पेल्विक रीजन में, हमारे चेहरे में, थोड़ा बहुत अपन हमारे लंग्स में। और जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो हमारे कैरियर होते हैं टी सेल्स के। जैसे कि आप आसान भाषा में समझें, जैसे कि आपने कुछ कहीं से कुछ खाना ऑर्डर किया है और कोई चीज़ ऑर्डर की है, कोई आपको डिलीवरी बॉय है जो आपको सामान को आप तक पहुंचा रहा है, तो वो आपका कैरियर है। ऐसे ही जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो टी सेल्स के कैरियर होते हैं। तीसरा होता है स्प्लीन, जो कि हमारे अपर लेफ्ट एब्डोमेन, यहाँ पे बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे होता है। इसका काम ब्लड को प्योरीफाई करना होता है, और जो हमारी ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनको नया करना होता है, और ये प्लेटलेट्स भी ऐड करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अधोमुख श्वानासन। दोनों पैर पीछे ले जाएंगे, हील्स डाउन, शोल्डर ब्लेड्स डाउन, हिप्स अप, कमर सीधी होगी आपकी बिल्कुल। इसमें आप देख रहे होंगे आपका सारा ज्यादातर प्रेशर आपके मुंह पे आ रहा है। आपने देखा होगा जितने भी वायरसेस, बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे मुंह के द्वारा ही फेस से एंटर करते हैं। तो इस पोजीशन में आप रहेंगे ज्यादा समय तक। अगर आपको इसमें कोई कठिनाई या दिक्कत हो रही है, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, आर्म्स फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इसमें आप अपने घुटनों को भी मोड़ सकते हैं। और इसको आपने और आसान बनाना है तो एक काम करिए, आप ये ब्लॉक्स ले लेंगे सामने, तीन ब्लॉक ले सकते हैं या दो ब्लॉक्स ले सकते हैं। जो आप अपना सर है वो इस ब्लॉक्स के ऊपर रख रहे हैं, आप इसमें अपना लिम्फ नोड जो फेस के होते हैं उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इस पोजीशन में आप ज्यादा देर तक रह सकते हैं। और अब करते हैं दूसरा आसन। दूसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन जैसे कि नाम से आपको लगता है स्नेक, भुजंग स्नेक आसन। आप पेट के बल लेट जाएंगे और अपने हाथों को अपनी छाती के बराबर में लगा के, और जो आपके एल्बोज हैं वो आपके बॉडी से टच होंगे, और धीरे धीरे अपने अपर पार्ट को उठाएंगे और ऊपर देखेंगे। और तीसरा आसन जो आज हम करेंगे वो है सुप्त बद्ध कोणासन। इसमें आप अपने कमर के पीछे ब्लॉक लगा सकते हैं या कोई तकिया लगा सकते हैं। कमर के तरफ लेट जाएंगे और अपनी बाजुओं को ऐसे खोल लेंगे और हिप्स को नीचे लगा देंगे। इसमें आपको अपनी चेस्ट को ओपन करना है। जब आपकी चेस्ट ओपन होगी तो आपका थायमस ग्लैंड एक्टिवेट होगा, जो कि टी सेल्स बनाएगा, और टी सेल आगे अपना काम करेगा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इसमें आप अपने सर के नीचे भी कोई ब्लॉक या तकिया लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि आप इसे जरूर एक बार करके देखेंगे और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।